जय माँ कर, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगी। आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी में आप लोग को लगातार रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। जी हाँ, अभी जो आप लोग की रिक्रूटमेंट चल रही है वो आप लोग की आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस की बड़ी रिक्रूटमेंट है। ओनली 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, इससे पहले भी आप लोग की कई रिक्रूटमेंट आई हैं और अभी जो आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है ये है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की। तो यहाँ पे अभी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ 8 अक्टूबर 2024 को। जी 8 अक्टूबर 2024 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। तो शॉर्ट नोटिस मेरे पास है, मैं इसके माध्यम से आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। आने वाली वैकेंसी कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, A to Z जानकारी आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पे मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। जी हाँ, वहां जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक लाइक तो बनता है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आप लोग की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर 2024। जी हाँ, बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आ रही है आईटीबीपी में कांस्टेबल ड्राइवर 2024 की। आप लोग की ऑनलाइन आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे, बिल्कुल क्लियर। ओनली और ओनली मेल इंडियन सिटीजन नागरिक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल टेम्पररी बट परमानेंट लेवल 3 की आप लोग की जो सैलरी पे स्केल 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी 7 CPC आप लोग की लग रही है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया आप लोग जो है जॉब की लायबिलिटी रहेगी, कहीं भी आपकी पोस्टिंग रह सकती है। चलिए, ये आप लोग की जो प्राइमरी चीजें थी मैंने आप लोग को बता दी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर की 545 वैकेंसी निकल के आ रही है। मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए बंपर भर्ती यहां पे निकल के आ रही है, कांस्टेबल ड्राइवर 545 वैकेंसी है। चलिए, इसके अलावा जो आप लोग को बताया जा रहा है वैकेंसियां इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं। नोटिस और वैकेंसियां आप लोग की इंक्रीज ही होंगी और बाकी का जो भी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट itbppolice.nic.in से ही आप लोग को फुल नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग के आईटीबीपी की वेबसाइट से ही होंगे। आने वाले समय में आप लोग को लगातार जानकारी दी जाएगी। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व है और आईटीबीपी रिजर्व द राइट मैक सीक्वेंस प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारे राइट्स आईटीबीपी के पास है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 100 रुपए आप लोग की फीस लगती है यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल स्टूडेंट हैं। जी हाँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए, एससी एसटी को कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी है। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका कि बच्चे वेट कर रहे हैं वो है एलिजिबिलिटी कंडीशन। जी हाँ, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे। एज के साथ साथ आप लोग की क्या क्वालिफिकेशन है, एज आप लोग की 21 से 27 साल ली जा रही है। जी हाँ, 21 से 27 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। जनरल से हैं तो ओबीसी से हैं 3 साल का बेनिफिट, यानी कि 21 से 30 साल तक। एससी एसटी से हैं 21 से 32 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल का बेनिफिट एससी एसटी वालों को मिलता है। और यहाँ पे आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए, मस्ट हैव प्रोसेस वैलिड हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग को दे दी, तो ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास हो, 10th क्लास पास है, फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है ऑनलाइन ही आप लोग के अप्लाई होंगे, बिल्कुल क्लियर है, ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। और टेस्ट पे अलाउंसेस आईटीबीपी रिक्रूटमेंट आईटीबीपी फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोग को आईटीबीपी की वेबसाइट पे मिलेगा, जैसे कि पहले जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन फॉर नोटिस सेल इशू कार्ड ऑनलाइन, जो जिनकी एप्लीकेशन यहाँ पे सही पाई जाती है इनको एडमिट कार्ड वगैरह इशू किए जाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस डाउनलोड, जो भी आगे का प्रोसेस है रिक्रूटमेंट आईटीबीपी की वेबसाइट से ही आप लोग के एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होंगे। तो इसके लिए आप लोग के पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो बिल्कुल सही हो चालू हो वही आप लोग देंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेलेक्शन प्रोसेस,
देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी जाए तो यहाँ सबसे पहले आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फिजिकल ही होने वाला है, और फिजिकल में आप लोग का पीईटी पीएसटी यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे अभी बताया नहीं गया, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्रकार से आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो सकता है। लगातार भर्तियां आप लोग की आ रही हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन भी आप लोग के एग्जाम हो सकते हैं। तो ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, आने वाले समय में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पल पल की इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में आप लोग को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग का फिजिकल, फिजिकल के बाद रिटर्न, रिटर्न के बाद आप लोग का जो है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट एंड मेडिकल आप लोग का होने वाला है। यानी कि डीवी आप लोग का होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और मेडिकल आप लोग का होने वाला है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट जो आप लोग का होता है स्किल टेस्ट, इसमें ड्राइविंग की जानकारी ली जाती है, ड्राइविंग में क्या क्या करवाया जाता है इसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। तो पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया, सबसे पहले फिजिकल है, फिजिकल के बाद रिटर्न है, रिटर्न के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और साथ में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और इसके साथ आप लोग का मेडिकल होने वाला है। तो मेडिकल की जानकारी आप लोग को ठीक है, ये आप लोग को आने वाले समय में इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई में अभी आप लोग के पास समय है, शॉर्ट नोटिस मुझे मिला, मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है 8/10/2024, जी हाँ 8 अक्टूबर 2024 से आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे जो कि 6 नवंबर 2024 तक चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे, समय है आप लोग के पास, बिल्कुल तैयार हो जाइए आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर। यदि आप लोग हैं 10th क्लास पास और आप लोगों ने बनवा रखा है वैलिड हैविंग व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास है, आप लोग एलिजिबल हैं, एज आप लोग की अच्छी खासी है, जनरल ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट यहां पे मिलता है, और आपकी जो एज काउंट होती है ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। एज आप लोग की फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट होने वाली है यानी कि 6 नवंबर 2024 को आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होगी। तो 6 नवंबर 2024 यदि जनरल वाले 27 साल तक हैं बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले 30 साल तक है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वाले 32 साल तक है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की अच्छी खासी है, बस 10th और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास यहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक बड़ी भर्ती आईटीबीपी के द्वारा लगातार निकालते हुए एक बड़ी भर्ती आप लोग को दी जा रही है, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 545 पोस्ट, जी हाँ 545 पोस्ट, जनरल SC ST ओबीसी EWS सभी के लिए वैकेंसी है। वैकेंसियां आने वाले समय में इंक्रीज हो सकती हैं, बट डिक्रीज आप लोग को वैकेंसियां नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोग के लिए, और इसका नोटिस मैंने आप लोग को टेलीग्राम में डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाइए नोटिस डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए और तैयार हो जाइए फॉर्म अप्लाई के लिए। जी 8 अक्टूबर 2024 फुल नोटिफिकेशन, ऑनलाइन अप्लाई, सारी जानकारी आप लोग को चैनल पे मिलेगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।